कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक लौंडे लपाटे कूलों में चुल मचाते बॉय के बारे में। ये ना तो प्ले बॉय है ना ही लेडी बॉय, ये है सेक्सी बॉय। नहीं, मेरे साथ बोलो, एक दो तीन, सेक्सी बॉय। क्या चाय में जहर मिला के पीती है? आई बरात जब तोहरा दुआरे, दुल्हा के कट बगाना सीजे। फिर ये लोग पूछते हैं हम अकेले क्यों हैं? क्या कमी है हम में? निप्पल बड़े हैं, लुल्ली छोटी है, आखिर क्या है? और फिर यही लोग हाथ मिलाते हुए चुटकी बजाते हैं। खैर, अपनी नाक से उंगली बाहर निकालो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। यार, कल मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जब मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया, तो मुझे ही बोलने लगे कि भाई तूने हर लड़की का दिल चुराया है इसीलिए। अब अखरोट सी शकल के दिल चुराया था तू, तो इसमें मेरी क्या गलती है? आय हाय, देख कैसे मुस्कुरा रहा है, क्यूट बन रहा है। बहनचोद, इतने बुरे लोग आधार कार्ड में भी नहीं लगते। भाई, मम्मी कहती है बदमाश लड़कों से दूर रहो, लेकिन मम्मी को क्या पता कि इन बदमाश लड़कों का लीडर ही मैं हूँ। बहुत बड़ा बदमाश है ये, चोरी, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब तो ये चौथी में करता था, लेकिन अब भाई साहब डोमिनोज को फोन करके पिज्जा हट का नंबर मांगते हैं। भाई, मैं कुछ जरूरी काम से चांद पे जा रहा हूँ। हाँ, इसीलिए तो विज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी ताकि ये सुनहरा लोड़ू चांद पे जाके फुदकिया मार सके। किसी को अपने जानों के लिए तारे मंगवाना हो तो बोल दो, लेके आ जाऊंगा। भोसड़ी के चांद पे कौन बेच रहा तारे? वो सरोजनी नगर थोड़ी ना है कि साली कोई भी ओंगी पोंगी चीज मिल जाएगी। मैं सिंगल था, सिंगल हूँ और सिंगल ही रहूंगा। है किसी लड़की में इतना हिम्मत तो मुझे पटा के दिखा दे। साले, तेरे में से भैंसे के चमड़े की बदबू आती है, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। देखो, अगर कोई भी लड़की ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाह रही है, सोच लो यार। भाई, कुछ दाढ़ी वाले लौंडे समझते हैं कि उनसे बंदियां सेट हो जाएगी, लेकिन कभी मेरा फेसबुक और व्हाट्सएप खोल के देख लेना, लड़कियों का लिस्ट खत्म ही नहीं होगी। हाँ, हम दाढ़ी वाले तो चूतिया है ना। एक मिनट, तभी तो सारे टिकटॉक वाले लड़कियां ले जाते हैं। फक। खैर, सेक्सी बॉय की लिस्ट में सारी लड़कियों का नाम एंजल प्रिया से खत्म होता है। अब अगर तुम अपने बालों में गुलकंद और तंबाकू का मिश्रण लगाओगे तो लड़की कैसे ना फंसे। खैर, तुम बाबा वाला फंडा भी यूज कर सकते हो। भाई, पता है सूरज सिंगल है, चांद सिंगल है, मैं सिंगल हूँ, मतलब इस धरती पे जितने भी कीमती चीज है ना, वो सारे सिंगल है। आखिर एक इंसान अपने आप को कितना दिलासा दे सकता है? आखिर कितनी झंड हो सकती है किसी की जिंदगी? अकेलेपन की पहचान है ये। अगर कोई सिंगल लौंडो का चिन्ह होगा ना, तो वो इसकी शक्ल होगी। भाई, अगर न्यूटन हिंदुस्तान के जगह पाकिस्तान में पैदा हुआ होता तो उसके ऊपर सेब के जगह बम गिरता, फिर उसका सारा फिजिक्स निकल जाता। यहाँ की पैदाइश है न्यूटन। उस दिन तूने गांजा फूका था, तेरे मास्टर ने। राष्ट्रगान किसने लिखा हुआ है? वो रवि, राष्ट्रगान जंगलमन नायक वाला, वो थे कानपुर के पार्षद जी। अरे, पार्षद जी हैं, कानपुर के हैं, उन्होंने लिखा था। सोचो, न्यूटन बिहार की गली में पला पड़ा है, साले लौंडे भी पागल हो रहे हैं, देखो न्यूटन। और उसके सर पे सेब की जगह किसी ने गुटखा थूक दिया था, तभी तो उसे ग्रेविटी के बारे में पता चला। यार, मैं 125 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए या नहीं? अभी कितना पीछे पड़ेगा लड़कियों के, मुझे समझ में नहीं आता इस दुनिया में इतनी हवस कैसे है। 70% तो यही लेके बैठा है, एक दिन में 36 घंटे लड़कियों के बारे में सोचता है। नहीं यार, ऐसा क्या हो जाएगा लड़की मिलते ही जिंदगी में रंग भर जाएंगे। देखो, सबको प्यार मिलना चाहिए, सबको, बस इसे नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी इस गिल पिली पिलपिली छिपकली का शिकार बने, तो मेरी तरफ से ना है। माफ करना यार, इस चैनल पे हैप्पी एंडिंग नहीं होती। ऐसे कैसे? It's 29 and I find myself wondering what did...